कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जाते वक्त अचानक हरियाणा के सोनीपत में रुक गए, जहां उन्होंने किसानों के बीच जाकर खेतों में धान की रोपाई की। उन्होंने ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई भी की। इस दौरान किसानों और खेत मजदूरों के साथ खेती किसानी पर बातचीत भी की। राहुल ने किसानों के साथ ही बैठकर नाश्ता भी किया। गौरतलब है कि राहुल गांधी दिल्ली से शिमला जा रहे थे। जीटी रोड पर कुंडली बॉर्डर पहुंचे तो किसानों के बीच जाने का प्रोग्राम बना लिया और सोनीपत के ग्रामीण इलाके का रुख कर लिया। राहुल गांधी NH 48 से मुरथल होते हुए कुराड रोड से बाईपास के रास्ते गोहाना की तरफ रवाना हुए। इसके बाद वे अपने रूट से हटकर करीब 50 किलोमीटर दूर बरोदा विधानसभा क्षेत्र के गांव मदीना में सुबह करीब 6:40 पर पहुंच गए। वे भैंसवान मदीना रोड पर संजय के खेत में जा पहुंचे। आपके हल्के में क्या कहना चाहोगे? देखिए, राहुल गांधी जी का बड़ा सौभाग्य इस इलाके का, जो एक देहात के अंदर ये प्रोसेस है किसान का, कैसे किसान खेती करता है, कैसे जीरी लगाता है, इन बातों को, सारी चीजों को देखते हुए मैं ये समझता हूँ गोहाना के अंदर मदीना गांव में ये बड़ी सौभाग्य की बात है गांव की, तो वो राहुल जी आए हैं। और आज लोगों में भी उत्साह राहुल जी के प्रति, और जिस ढंग से देख रहे हैं वो लोग, जो है लोग देख रहे हैं राहुल जी अपने किस तरीके से गार्ड लगाते हैं, किस तरीके से जीरी लगाते हैं, सारा प्रोसेस उनके सामने है, तो वो इस बात की बारीकी को समझने के लिए यहाँ देहात के अंदर। इससे पहले भी उन्होंने बाइक रिपेयर करना सीखा था? देखो, उनके पास इतने हुनर है, मैं गिना ब्लैक बेल्ट है, ये है, आप गिनती नहीं कर सकते, वो हर एक चीज में एक्सपर्ट है, कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं उन्होंने शायद है जिसको वो ज्ञाता ना हो, हर एक चीज का ज्ञान है राहुल जी को, बहुत ट्रक में भी चले हुए और भी देखे हैं, हर हालात से वो वाकिफ है, देश के गरीब आदमी के हालात से और सब जो है मिडिल क्लास के हालात से सबसे वाकिफ है राहुल जी। और जैसे पैदल यात्रा में जब देखा, गरीबी से गरीबी देखी उन्होंने, सब सारा सिस्टम पैदल यात्रा में भी देख लिया, तो राहुल जी आम आदमी से के संपर्क के आदमी हैं, आम आदमी का जीवन कैसा है इस बारे में पूरा ज्ञान है। PM वाले मामले में जो है नोटिस मिला है, इनको क्या कहना चाहोगे? देखो, ये एक अदालत का मामला है, अदालत की लड़ाई अदालत में लड़ेंगे, और कानून पर चलने वाले आदमी है, लेकिन जो है डेमोक्रेसी जो खत्म कर रही है सरकार, बीजेपी सरकार डेमोक्रेसी के खिलाफ है, उस डेमोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल जी और लड़ते रहेंगे। इतना सच्चा सही आदमी जो है राहुल गांधी जी है, इतना कोई दूसरा नेता ही देश में नहीं। मदीना गांव आपके हल्के में पहुंचे हैं, राहुल गांधी क्या कहना चाहोगे? देखिए, राहुल गांधी जी मेरे हल्के गांव मदीना में आए, हमने पता चला, गांव वालों ने फोन किया, फिर पुलिस CID का फोन आया, गांव मदीना में राहुल गांधी जी आ रहे हैं, यहाँ का हमने देखा खेत में जीरी लगाने लग रहे हैं और गार्ड मारने लग रहे थे, बड़ा अच्छा लगा कि भाई किसानों की आवाज अगर इसको हम कहें तो इसमें कोई शक नहीं, किसानों की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी जी आए हैं, और हम राहुल गांधी जी का यहाँ आने पर मैं हल्के पूरे हल्के की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको बार बार धन्यवाद करूँगा। लेकिन सिक्योरिटी पर बच्चे मिलने नहीं दिया जा रहा, आपको भी वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा, क्या करें? देखिए, सिक्योरिटी का अपना मामला है, मिलने दो या ना मिलने दो वो सिक्योरिटी का काम है, हमने मिलने ना मिलने का कोई हमारा वो भी नहीं है, अगर हमने मिलना है जरूरी है जो भी प्रोटोकॉल हो, लेकिन हमने सबसे बड़ी बात ये कि किसानों की आवाज़ उठाने के लिए आज यहाँ आए। तस्वीरों में राहुल गांधी खेतों में धान भी रोपते नजर आए। खेतों में काम करते हुए उन्होंने वीडियो शूट भी करवाया। इस दौरान खेतों में मौजूद किसान भी काफी खुश नजर आ रहे थे। राहुल खेत में मौजूद किसानों से बातचीत करते हुए भी नजर आए। आज सुबह की बारिश के कारण खेतों में पानी भरा था, लेकिन राहुल पैंट ऊपर चढ़ाकर किसानों से मिलने के लिए खेत में ही जा पहुंचे। बता दें कि खेतों में सुबह सुबह किसान अपने कामों में लगे थे, लेकिन जैसे ही राहुल गांधी अपने काफिले के साथ वहां पहुंचे तो एकदम हलचल मच गई। राहुल गांधी का अचानक हरियाणा में इस तरह चौंकाने वाला फैसला पहली बार नहीं है। एक महीने पहले भी वो दिल्ली से शिमला जा रहे थे, इस दौरान उन्होंने अम्बाला में काफिला रुकवाया, यहाँ से वो ट्रक पर सवार होकर चंडीगढ़ तक गए थे।